हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में। जी हाँ, पासपोर्ट जो है इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है उसमें शुमार होता है। सबसे हाई क्वालिटी की जो है डॉक्यूमेंट मानी जाती है। सारे डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो पासपोर्ट का है। तो उसके बारे में आज हम जानकारी करते हैं कि पासपोर्ट को जब हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाता है और उसके बाद हमारा कोई प्रॉब्लम की वजह से हमें जो है पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बुलाया जाता है और हमें उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, वो हमें कैसे बुक करना है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि RPO ऑफिस, जिसको कहते हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, और वहाँ पर हमको जाना है, उसका अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमको इंक्वायरी देना है ताकि हमारा जो भी कंफ्यूजन होता है, जो भी RPO का कंफ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाता है। हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ता है। तो बहुत लोगों के पास ये समस्या आता है कि हम जब भी अपॉइंटमेंट बुक करने जाते हैं तो वहाँ पर ये बताता है सर्विस नॉट अवेलेबल एट द सेलेक्टेड रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। सो गाइस, ये जो प्रॉब्लम है अक्सर लोगों के पास रहता है क्योंकि बिहार बोर्ड के अंदर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है जिसके वजह से ये चीज़ बताता है। तो इस चीज़ को बताने का मतलब ये है दोस्तों कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें रोज़ाना कोशिश करना है 11 बजे जैसे ही बचता है हमें रोज़ाना कोशिश करना है और हमारा काम जो है इंशाल्लाह हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे ही 11 बजता है हमें ID पासपोर्ट लेकर के खोल करके अपनी इस वेबसाइट पर आ जाना है जहाँ से हमने अपने पासपोर्ट को अप्लाई किया था। और वहाँ पर आ जाने के बाद जो है हमें पेमेंट स्टेटस में जा करके शेड्यूल अपॉइंटमेंट ले लेनी है। और वहाँ पे रोज़ अगर हमें ये नॉट सर्विस अवेलेबल बता रहा है तो रोज़ाना हमें ट्राई करना है 10 बजे 10:30 बजे, लेकिन उसका जो टाइम है वो 11 बजे से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने स्लॉट बुकिंग की है उसमें अपॉइंटमेंट जो बुक की है उसमें यहाँ लिखा हुआ है इसकी टाइमिंग जो है 11 बजे शुरू होती है और 11:15 बजे यानी 11:15 पर ख़त्म हो जाती है। ये इसलिए है जिस तरह से तत्काल की टिकट बुक होती है उसी तरह से इसका टाइमिंग भी कुछ इस तरह से रहता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको बुक करना है और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाकर के अपना इंक्वायरी देना है। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करके रख लें ताकि नई वीडियो नई अपडेट्स आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।